आगरा जनपद ब्लॉक क्षेत्र के गांव चचिहा में कई वर्ष पूर्व बने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षा के लिए आज तक छात्र इंतजार कर रहे हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षा की शुरुआत बनने के बाद आज तक नहीं हुई। सरकार के द्वारा लाखों रुपए से निर्माण कराए गए इस कॉलेज को सुचारू की जाने की ग्रामीणों द्वारा लगातार मांग की जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने और कम फीस में बेहतर शिक्षा मिले इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है, मगर उत्तर प्रदेश में पूर्व बसपा सरकार में क्षेत्र के ग्राम चचिहा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बहार का लाखों रुपए की लागत से निर्माण कराया गया था, जिसका शिलान्यास बसपा सरकार में विधायक रहे पंडित मधुसूदन शर्मा ने सन 2010 को शुभारम्भ किया था। संस्थान कॉलेज को लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से 2 वर्ष में निर्माण कराकर तैयार किया गया था कि उनके बच्चे अब पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन सकेंगे, मगर लोगों के सपने धरे के धरे रह गए। उद्घाटन के बाद से संस्थान की देखरेख और क्लासेस वगैरह चलाना आज तक शुरू नहीं हुआ। कई बार ग्रामीणों ने मामले को लेकर शिकायत की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, ना ही कॉलेज में शिक्षा की शुरुआत की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि ITI के नाम से एडमिशन होते हैं, जिनकी क्लासेस वल्केश्वर ITI संस्थान में चलाई जाती है, जो कि बच्चों के साथ एक ठगी है। करोड़ों रुपए की लागत से जो बिल्डिंग सरकार ने तैयार की है वो आज जर्जर स्थिति में धीरे धीरे होती जा रही है। संस्थान का रखरखाव नहीं होने के कारण चारों तरफ गंदगी पड़ी हुई है, जिसमें अक्सर सामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा बना रहता है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लोगों का कहना है कि जब ITI संस्था चचिया गांव में है तो क्लासेस वल्केश्वर में क्यों चलाई जा रही हैं? सरकार एवं प्रशासन के उच्च अधिकारियों को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। ITI कॉलेज का पूरा प्रांगण जंगल में तब्दील हो गया है। ग्रामीणों ने जल्द ITI की क्लास एवं शिक्षा की शुरुआत करने की मांग की है। कॉलेज शुरू करने की मांग पंकज शर्मा, संजय, धर्मेंद्र शर्मा, राजीव, संतोष, जितेंद्र, विपिन, राहुल, सुरेंद्र, मोहित आदि द्वारा की गई है। इनका कहना है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए एक अनुदेशक, 2 बाबू, 1 फोरमैन और 2 चौकीदार की नियुक्ति है, जबकि मौके पर 2 चौकीदार देव ऋषि और बच्चू सिंह ही रहते हैं, बाकी कर्मचारी मौजूद नहीं मिलते हैं। नाम आपका? तुंगा। ये कौन सी जगह है? ये चचिया। ये जो ITI कॉलेज है ये कब से बंद पड़ा हुआ है? यहाँ क्लासेज वगैरह नहीं चलती, ये क्या मामला है आपके? ये 2010 में बिल्डिंग तैयार हो गई थी जी, अभी तक बंद पड़ा है। यहाँ पर कोई नहीं है, प्रक्रिया चालू नहीं है अभी तक। कोई भी नहीं आता है? कोई नहीं आता जब बना है तब से? नहीं। इसकी क्लासेज वगैरह कहीं चलती है कुछ, ऐसा कुछ जानकारी? इसकी क्लासेज चलती है आगरा बल्केश्वर में। बल्केश्वर में? तो सन 2010 में बनने के बाद में, इसके बाद में आप लोगों ने ये नहीं चाहा कि जैसे कि गाँव में हमारे एक ITI कॉलेज है, इसे चलना चाहिए, कोई मांग कभी नहीं रखी हमने? नहीं रखी, कई बार नेताओं वगैरह से कहा, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की अब तक। तो इससे गांव के लिए तो एक, अभी ये तो एक सफ़ेद हाथी की तरह बिल्डिंग खड़ी हुई है। बिल्कुल, यानी 2010 से अभी तक इस पर कोई क्लासेज नहीं चली। बिल्डिंग खराब हो चुकी है, चटक रही है। कहने का मतलब ये बिल्डिंग के ध्वस्त होने की कंडीशन में अगर इसमें क्लासेज चालू हों बढ़िया तरीका से तो सही रहेगा। अभी इस समय एडमिशन चल रहे हैं, किस तरीके से एडमिशन लिए जा रहे हैं? एडमिशन ओपन होते हैं, लिस्ट लगती है, वहीं पे पढ़ाई हो रही है, यहाँ पे कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। रातहा दर्पण न्यूज़ के लिए आगरा से नीरज परिहार की रिपोर्ट।